आदि पुरुष के रिलीज के बाद ऐसा लग रहा है जैसे फैंस का दिल टूट गया हो। रामायण पर आधारित फिल्म से काफी उम्मीदें थी, लेकिन रिलीज के बाद यह उस पर खरी उतरती नहीं दिखी। प्रभास और कृति सनन स्टारर फिल्म को नेगेटिव रिव्यूज बहुत मिले हैं। फिल्म के ऐसे कई डायलॉग्स हैं जिन पर दर्शकों ने गुस्सा जाहिर किया है। ट्विटर पर फिल्म के डायलॉग के स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं। फिल्म के डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर को आकर सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि दर्शकों को आसानी से समझ में आए इसलिए इस तरह के डायलॉग रखे गए हैं। इसी बीच अब रामानंद सागर निर्देशित रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुनील ने एक पोस्टर शेयर किया जिस पर फिल्म के कई डायलॉग्स लिखे हैं। उनमें हनुमान का बोला हुआ डायलॉग कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की लिखा है। इसके अलावा रावण के भी डायलॉग हैं। सुनील लहरी ने कहा कि इस तरह की भाषा शर्मनाक है। उन्होंने कैप्शन में लिखा, कहते हैं फिल्म आदि पुरुष रामायण को ध्यान में रखकर बनाई गई है, अगर यह सच है तो इस तरह की भाषा का प्रयोग बहुत शर्मनाक है। अब इस पर कई यूजर्स जमकर कमेंट कर रहे हैं। एक ने लिखा, जिस रामायण में आपने अभिनय किया था उसके जैसी रामायण आने वाली 6 पीढ़ी भी नहीं बना सकती, जय सियाराम। एक ने लिखा, बॉलीवुड पहले से हिंदू विरोधी था, अब ये फिल्म बनाकर साबित कर दिया कि ये लोग एक नंबर के बेहुदा आदमी हैं। वहीं एक ने लिखा, मुझे भी ये फिल्म कहीं से भी रामायण से संबंधित तो नहीं लग रही है, पता नहीं क्या बनाया है। वहीं एक ने लिखा, कतई बेशर्म हो गया है बॉलीवुड और इन लोगों ने धर्म और आस्था को मजाक बनाकर रख दिया है, जय सियाराम। वहीं एक ने लिखा, बेहद दुखद और शर्मनाक, अब भी वक्त है, सुधार हो सकता है, जनता से माफी मांगकर फिल्म का वो सीन सिनेमाघरों से हटा दें। वहीं एक ने लिखा, फिल्म निर्माता निर्देशकों और लेखकों ने भांग पी रखी थी क्या कि 10 रुपए वाला बिमल खाया था, कभी रामचरितमानस नहीं पढ़ा। एक बड़ी बात फिल्म निर्माता बोल रहे हैं, पूरे भारत में जहाँ जहाँ ये शो लगेगा वहाँ पर हनुमान जी के लिए एक सीट होगा, हनुमान जी यह देख कर वहीं पर अपना शरीर त्याग देंगे, ऐसा किरदार निभाया है आदि पुरुष में। वहीं एक ने लिखा, श्रद्धेय श्री रामानंद सागर जी ने जिस भाव से रामायण का परिचय पूरी दुनिया में घर घर में कराया, श्री अरुण गोविल जी, श्रीमती दीपिका चिखलिया जी, आप श्री सुनील लहरी जी व अन्य कलाकारों ने जिस जिजीविषा से रामायण के पात्रों को जिया है, उसमें एक आम व्यक्ति हमेशा आप लोगों को ही उस रूप में देखेगा व पूजेगा, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, जय सियाराम। आलोचनाओं के बीच आदि पुरुष ने बेहतरीन कमाई की है। फिल्म के हिंदी वर्जन ने करीब 40 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है, यह फाइनल आंकड़े नहीं है। वर्ल्ड वाइड इसने 150 करोड़ की ओपनिंग ली है। वीकेंड में भी फिल्म के अच्छे कलेक्शन होने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन इसकी अगली परीक्षा सोमवार को होगी। देखना होगा कि रिव्यूज का इस पर कितना असर पड़ेगा। आपका इस स्टोरी पर क्या कहना है कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी एंटरटेनमेंट।